एनिमल किंगडम में अपने लिए एक साथी की तलाश करना हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ जनाब केवल प्यार और इजहार काम नहीं आता, बल्कि नर को मादा को पाने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। डांस मूव से लेकर परफेक्ट फिट बॉडी तक मेल पार्टनर को अपनी प्रजाति का हीरो होना पड़ता है और तब जाकर उसे अपनी हीरोइन मिलती है। अब ह्यूमन लव स्टोरीज तो आपने कई देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस दिलचस्प सफर पर जहाँ हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से रूबरू कराएंगे जिनकी न सिर्फ मेटिंग हैबिट्स अजीबो गरीब है, बल्कि इन्हें अपने पार्टनर को करीब लाने के लिए ना जाने कितने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस बेहद ही अमेजिंग वीडियो को। फ्लैटवॉर्म्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्लैटवॉर्म्स के साथ, जो कि समुद्र के फ्रेश वाटर में अपना बसेरा बनाना काफी पसंद करते हैं। और अगर बात की जाए इनकी वियर्ड मेटिंग हैबिट्स की, तो फ्लैटवॉर्म्स का मेटिंग प्रोसेस काफी पेनफुल होता है, क्योंकि इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच कौन मेल बनेगा और कौन फीमेल, इस बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई भी हो जाती है, और कई बार तो इस लड़ाई में दोनों की मौत तक हो जाती है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेटिंग के दौरान दोनों फ्लैटवॉर्म्स अपने अपने मेल ऑर्गन से एक दूसरे के ऊपर हावी होने की पुरजोर कोशिश करते हैं, और आखिरकार जो फ्लैटवॉर्म्स दूसरे के ऊपर हावी होने में कामयाब हो जाता है वही मेल बनता है और दूसरे को फीमेल बनना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के जन्म और परवरिश की जिम्मेदारी मादा पर आ जाती है। गार्डन स्नेल। टॉप 10 वियर्ड मेटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स की इस लिस्ट में अगला नाम गार्डन स्नेल का आता है, जिनके अंदर भी बिल्कुल फ्लैटवॉर्म्स की तरह ही मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये मेल बनने के लिए आपस में लड़ने के बजाय दोनों ही प्रेग्नेंट होना पसंद करते हैं। हालांकि इनका ये तरीका काफी अजीबोगरीब होता है, क्योंकि मेटिंग के दौरान एक स्नेल दूसरे स्नेल से शार्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म इंजेक्ट करता है, जिसे लव डार्ट कहते हैं। लेकिन बार बार ऐसा करने का असर स्नेल के ऊपर पड़ता है और एक टाइम के बाद उसकी मौत भी हो जाती है। हालांकि स्नेल का ये मेटिंग प्रोसेस सुनने में भले ही इजी और शॉर्ट लगता है, लेकिन स्नेल को इस मेटिंग प्रोसेस को पूरा करने में तकरीबन 4 से 12 घंटे का समय भी लग सकता है, और उसके 3 से 6 दिनों के बाद दोनों स्नेल्स लगभग 80 अंडे देते हैं, जिसके कुछ ही सप्ताह के अंदर उनमें से नए स्नेल्स का जन्म होता है। बर्ड ऑफ पैराडाइज। हमारी लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसे बर्ड ऑफ पैराडाइज या फिर स्वर्ग की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी न्यू गिनी के कोस्टल एरियाज के साथ साथ आसपास के आइलैंड में देखने को मिलती है। वैसे तो पक्षी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इसे अपने पार्टनर को रिझाने के लिए नाक और चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि जब एक मेल बर्ड ऑफ पैराडाइज मेटिंग करना चाहता है तो इसके लिए पूरी तैयारी के साथ सामने आता है। सबसे पहले तो ये पक्षी अपने कलरफुल फेदर को शो करता है और फिर एक अनोखा डांस परफॉर्म करता है। इसका फेदर काफी खूबसूरत होता है, जो कई अलग अलग रंगों से भरा होता है, और इसका डांस भी काफी यूनिक होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक फीमेल बर्ड ऑफ पैराडाइज तब कहीं जाकर मेल बर्ड के इस अनोखे डांस के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है, जब वह इस डांस को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। इसके साथ ही मेल बर्ड के फेदर के कलर और क्वालिटी को देख कर ही फीमेल बर्ड उसके हेल्थ का पता लगाती है और ये डिसाइड करती है कि वह मेल बर्ड मेटिंग के लिए सूटेबल है या नहीं, और फिर इन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरने के बाद ही मेल बर्ड ऑफ पैराडाइज को फीमेल बर्ड के साथ मेटिंग करने का मौका मिल पाता है। साथ ही अगर फीमेल बर्ड को मेल बर्ड का फेदर और डांस पसंद नहीं आता तो वह फौरन ही किसी दूसरे पार्टनर की तलाश में निकल जाती है, और बेचारा ये मेल बर्ड सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। ग्रेटर सेज ग्राउस। फेशनेडी फैमिली से संबंध रखने वाले ग्रेटर सेज ग्राउस को उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े ग्राउस के रूप में जाना जाता है, और अगर बात करें इनके मेटिंग हैबिट्स की तो ये अपने अनोखे मेटिंग डांस के लिए पूरी दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं, क्योंकि मेटिंग डांस के दौरान कई मेल ग्रेटर सेज ग्राउस आपस में एक साथ मिलकर अपनी छाती को फुलाते हैं और फिर फीमेल ग्रेटर सेज ग्राउस के सामने अपनी ताकत को दिखाते हैं। इसके साथ ही जहां एक और ये पक्षी डांस करने के साथ साथ अपनी पूंछ के पंखों को ऊंचा रखकर हिलाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये अपने मुंह को ऊपर की ओर उठाकर छाती में हवा भरते हैं और फिर अपने मुंह से एक खास तरह की आवाज निकालते हुए हवा को बाहर छोड़ देते हैं। हालांकि इस दौरान फीमेल ग्रेटर सेज ग्राउस मेल बर्ड्स के इस पूरे परफॉर्मेंस का बड़े ही ध्यान से मुआयना करती है,
और फिर जिस मेल ग्रेटर सेज ग्राउस का डांस परफॉर्मेंस इन्हें सबसे अधिक लुभाता है, ये उसे ही अपने साथी के रूप में चुनती है और उसके साथ ही मेटिंग के लिए राजी होती है। बायसन। चलिए इस लिस्ट में अब हम आपकी मुलाकात उन बायसन से कराते हैं जो वैसे तो साल के अधिकतर दिनों में बिल्कुल अकेले रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन समर सीजन में आखिरी कुछ दिनों में ये एक या दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यही समय होता है इनके मेटिंग सीजन का। लेकिन इनके लिए अपने पार्टनर के साथ मेटिंग करना इतना भी आसान नहीं होता है जितना कि हमें दिखाई देता है, क्योंकि अपने पार्टनर के करीब पहुंचने से पहले इन्हें भयंकर लड़ाई से होकर भी गुजरना पड़ता है। इस दौरान फीमेल बायसन को पाने के लिए कई मेल बायसन के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ जाता है और आखिरकार इस लड़ाई में जिस मेल बायसन का दबदबा कायम हो जाता है उसे ही झुंड की लगभग सभी फीमेल बायसन के साथ मीटिंग करने का मौका मिल पाता है। बेटा फिश। अब अगर आपने बायसन के अजीबोगरीब मेटिंग बिहेवियर के बारे में जान लिया हो तो आइए अब आपको लिए चलते हैं उन खूबसूरत मछलियों की हसीन दुनिया में जिन्हें बेटा फिश के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये मछलियां लुक्स के मामले में जितनी बला की खूबसूरत होती है उससे भी अधिक अजीबोगरीब इनकी मेटिंग हैबिट होती है, क्योंकि जब किसी मेल बेटा फिश को इस बात की भनक लगती है कि कोई फीमेल बेटा फिश मेटिंग के लिए रेडी है तो मेल बेटा फिश सबसे पहले एक बुलबुला यानी कि बबल जैसा घोंसला बनाती है और फिर घोंसला तैयार होने के बाद ये फीमेल फिश का न सिर्फ लगातार पीछा करते हैं बल्कि उसे अपने घोंसले के साथ ले जाने के लिए काफी मनाते भी है। ऐसे में अगर फीमेल फिश इनके साथ प्यार करने से मना कर देती है तो फिर मेल बेटा फिश का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचता है, जिसके बाद ये फीमेल फिश को जोर जबरदस्ती के साथ अपने घोंसले के पास ले जाने पर उतारू हो जाते हैं। इस दौरान ये फीमेल फिश का लगातार पीछा करने के साथ साथ उसे बाइट करने से भी परहेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई बार तो फीमेल फिश बुरी तरह से घायल भी हो जाती है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद जब अधिकतर मेल और फीमेल बेटा फिश एक दूसरे के करीब आते हैं तो इस मिलन के परिणाम स्वरूप जहां एक और फीमेल फिश कई अंडों को जन्म देती है तो वही मेल बेटा फिश का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, क्योंकि अंडे के बाद ये फीमेल फिश को यहाँ से भगा देते हैं और फिर इन अंडों की हिफाजत का जिम्मा अपने सिर पर ले लेते हैं। स्लॉथ। दुनिया के सबसे आलसी जानवर स्लॉथ का मेटिंग बिहेवियर भी दूसरे जानवरों की तरह ही काफी अजीबोगरीब होता है, क्योंकि जब किसी मादा स्लॉथ को मेल पार्टनर की जरूरत महसूस होती है तो ऐसे में ये काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और इनकी इस चिल्लाहट को इनका मेटिंग कॉल माना जाता है। हालांकि जब ये फीमेल स्लॉथ मेटिंग कॉल करती है तो इनकी इस कॉल को सुनकर एक या दो नहीं बल्कि कई मेल स्लॉथ एक साथ ही वहां जा पहुंचते हैं। ऐसे में इन मेल स्लॉथ के सामने बिल्कुल बायसन की तरह ही अपना शक्ति प्रदर्शन करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता है और फिर फीमेल स्लॉथ को अपनी पार्टनर बनाने की चाहत में ये सारे के सारे मेल स्लॉथ आपस में ही भिड़ जाते हैं और फिर इस महासंग्राम में आखिरकार जिसकी जीत होती है वही फीमेल स्लॉथ को अपना हमसफर बना पाता है। इसके साथ ही कई बार फीमेल स्लॉथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेल स्लॉथ एक दूसरे के रास्ते को भी अपनाते हैं, जिसके लिए ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मीटिंग करते हैं ताकि फीमेल स्लॉथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। बेर। वीडियो के अंत में अब जरा एक नजर भालू की इन प्रजातियों के ऊपर भी डाल लीजिए जिनका बिहेवियर और मेटिंग हैबिट्स भी कहीं ना कहीं बिल्कुल स्लॉथ से मेल खाते हैं, क्योंकि भालू की इन प्रजातियों को भी स्लॉथ की तरह ही बेहद आलसी जानवर के रूप में माना जाता है और इनमें भी अपना पार्टनर चुनने की ज्यादातर जिम्मेदारी फीमेल बेयर्स के ऊपर ही होती है, क्योंकि जब फीमेल बेयर मेटिंग के लिए तैयार होती है तो मेटिंग कॉल करके मेल बेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसके बाद इनकी मेटिंग कॉल को सुनकर कई मेल बेयर्स एक साथ उसके आसपास चले आते हैं और फिर बिल्कुल स्लॉथ की तरह ही ये मेल बेयर्स अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके फीमेल बेयर को अपना पार्टनर बनाते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि वैसे तो स्लॉथ और बेयर का मेटिंग बिहेवियर आपस में काफी मैच करता है, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां एक तरफ फीमेल स्लॉथ को अट्रैक्ट करने के लिए मेल स्लॉथ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वही बेयर्स की प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों ही अपनी पूरी लाइफ में कई पार्टनर्स के साथ मीटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यही खत्म होता है।